हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फेस क्लीनिंग के साथ साथ फेस ग्लोइंग की भी, कि कैसे फेस को क्लीन कर सकते हैं, फेस को ग्लो कैसे कर सकते हैं। और ये जो मैं बताने वाली हूँ वीडियो, ये चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होंगे जिस चीज़ से हम फेस को क्लीन करने वाले हैं और ग्लो करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे थे फेस क्लीनिंग की और फेस ग्लोइंग की। तो फ्रेंड्स, फेस क्लीनिंग के लिए हमारे मार्केट में हर तरह का क्लींजर आता है, जिससे हम फेस को क्लीन करते हैं, मेकअप को रिमूव करना हो या फिर फेस को क्लीन करना हो। फेस की क्लीनिंग कई तरह से की जाती है। एक जो होता है कि हम जो फेस पे मेकअप किए होते हैं उसे क्लीन करने के लिए, दूसरा होता है जो फेस को हम अंदर से क्लीन करते हैं, यानी जो क्लींजर मार्केट में जो मिल्क क्लींजर आता है, ज़्यादातर लोग आयुर्वेदिक जो आयुर का आता है जो सबसे बेस्ट माना जाता है, आयुर का जो क्लींजर होता है सबसे अच्छा माना जाता है, वो क्या करता है कि उसको आपको वीक में दो बार, एक बार या दो बार, जिस तरह से आप अपना मूवमेंट करते हैं, यानी वर्क आपका हो, अगर आप हाउस वर्क हो तो फिर वीक में एक बार ही बहुत होता है, अगर आप वर्किंग पे हो तो वीक में कम से 2 से 3 बार आपको क्लींजिंग करना होता है। उसमें जब हम क्लींजिंग करते हैं तो फेस पे अच्छे से रब करते हैं, रब करने के बाद हम कॉटन से क्लीन करते हैं, तो हमारे कॉटन पे जो हमारे स्किन से जितनी भी जो कॉटन पे जितनी भी मैल होते हैं वो आ जाती है, ब्लैक ब्लैक से दिखने लगता है। और एक क्लीनिंग होता है हमारे मेकअप जो क्लीन करते हैं, हम स्किन पे मेकअप किए होते हैं पूरे दिन, हम लोग क्रीम वगैरह लगा के रखते हैं, जब शाम को घर आते हैं तो फिर हम फेस को वॉश कर लेते हैं, तो एक क्लींजर वो होता है। तो हम बात कर रहे हैं क्लींजर की, जो हम आयुर्वेद की क्रीम से क्लींजिंग करते हैं, तो उसको हम कैसे घर पर क्लींजिंग कर सकते हैं, किन चीज़ों से। तो फेस क्लींजिंग के साथ साथ जो क्लींजर होता है वो सिर्फ स्किन को क्लीन करने का काम करता है। और जिस चीज़ से हम आज फेस को क्लीन करने वाले हैं, या आपका क्लींजर के साथ साथ अगर आप इसे अपने डेली रूटीन में लेते हैं, तो आपके स्किन पे अगर झुर्रियाँ पड़ गई हों, लाइक वो जो उम्र आपकी ज़्यादा हो जाती है तो स्किन पर झुर्रियाँ, जगह जगह झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, लाइक बहुत लोग के नोज़ के पास भी होती है, लिप्स के आस पास जो झुर्रियाँ पड़ी होती हैं, ऐसे में उससे आपका जो स्किन को काफ़ी टाइट करने का भी काम करेगा, स्किन ग्लो भी करेगा और नेचुरली ग्लो आपका अंदर से आएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको लेना है दूध, यानी मिल्क आपको लेना है। आप देख सकते हैं मैंने 1 चम्मच कितना मिल्क लिया हुआ है इसमें, और ये जो मिल्क होगा आपका प्योर कच्चा दूध होगा, यानी इसको गर्म नहीं करना। आपको गर्म करने से पहले जो हम पैकेट का यूज़ करते हैं, या फिर जो डेयरी का यूज़ करते हैं, या फिर जो गाय भैंस का कुछ भी यूज़ करते हैं, जो मतलब जो अपने जो डेली यूज में यूज़ करते होंगे, आपको दूध लाना है, उसमें अपनी क्वान्टिटी के अनुसार आपको कितना करना, हाथ पैर में नेक में करना है, सिर्फ फेस पर करना, उस हिसाब से आपको किसी भी कटोरी में उसको निकाल के साइड रख देना है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जिसको निकालने के बाद उसको तुरंत यूज़ करना है, 2-4 घंटे या फिर 1-2 दिन रख के यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इससे आपका फेस क्लीन भी होगा और आपके चेहरे पे स्टैन ग्लो भी आएगा। करना क्या, तो फ्रेंड्स दूध आपको बिल्कुल प्योर लेना है, इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है ना। तो हम बहुत लोगों दूध में हल्दी और नींबू मिला लेते हैं, तो जान लीजिए अगर आपने दूध में नींबू डाला है तो वो आपका दूध फट जाएगा तुरंत ही, तो आप ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। दूध बिल्कुल आपका प्योर होना चाहिए, उसमें कुछ मिलाना है नहीं है, प्योर दूध रहेगा। और आपको उसमें छोटा सा कॉटन लेना है, कॉटन तरीके से आप देख सकते, मैंने फेस पे कुछ भी मेकअप नहीं किया, बिल्कुल भी प्योर है, कुछ भी मेकअप वगैरह कुछ भी फेस पे नहीं है। तो आप ऐसे दूध को कॉटन में रब करेंगे और इस तरह से अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। इस चीज़ को आपको मॉर्निंग टाइम करना है, सुबह सुबह ही करना है, और अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से मसाज करना है। मसाज करने के बाद दूसरा जो लेयर होगा आप स्किन पे लगा लेंगे। तो आप पहले पहले देखते हैं हमें करना कैसे है। इसके बाद हमने थोड़ा सा हाथ पे ले लेना है अपनी क्वांटिटी के अनुसार, इसको हाथों के लेके अच्छे से इसको रब करना है।
तो उसे कम से कम आपसे 5 से 10 मिनट तक अच्छे से इसको रफ करना है। रफ करने के बाद लाइक हमें समझ लीजिए कि हमने 5 से 7 मिनट इसको अच्छे से रफ कर लिया। आप इसकी ग्लो देख सकते हैं स्किन पे, मेरे जो नेक है इसकी ग्लो और फेस की ग्लो में आप देख सकते हैं किस तरह से ग्लो आ रहा है फेस पे। लेकिन ये काम आपको डेली करना है। इसके बाद अगर आप इसको डेली करते हैं तो सिर्फ 8 दिनों में आप इसका रिजल्ट देखेंगे। आप इसके नेचुरली ग्लो करेगा विदाउट किसी क्रीम के, विदाउट किसी फेस वॉश के, और आपके इसके जो झुर्रियाँ होंगी वो ऑटोमेटिक आपका ख़त्म हो जाएगा और आपका फेस बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगा, स्किन पे शाइनिंग भी लाएगा। ऐसे लगाने पर हमने इसको मसाज कर लिया है। मसाज करने के बाद फिर उसके बाद एक लेयर और स्किन पर लेंगे थोड़ा सा दूध और हल्का सा इसको लेयर वाइज ऐसे लगा लेंगे। इसको लगा के हमें छोड़ देना आधे घंटे, 1 घंटे 2 घंटे, जब तक आप नहीं नहाते हैं इसको छोड़ देंगे। उसके बाद अगर ऑटोमेटिक चाहते हैं तो आप आधे घंटे ही स्किन पर रखिए, उसके बाद आप इसको जाके नहा के उसको वॉश कर लीजिए। ये काम आपको डेली रूटीन में करना है। फिर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको आधे घंटे तक अपने फेस पे रखा। अब इसको मैं क्लीन करके आती हूँ तो आप देखना कि स्किन पे ग्लो कैसे आता है। लेकिन ये आपको एक दिन में ग्लो नहीं दिखेगा क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक है। तो इस चीज़ का ग्लो आपका कम से कम 8 या 10 दिन लगेगा इसका स्टैन ग्लो देखने के लिए। तो इसको आप अपने डेली रूटीन में यूज़ करिए और डेली ही इसको लगाइएगा। तो आप अपने फेस को वॉश करके आते हैं। तो फिर आप देख सकते हैं मैंने फेस को वॉश कर लिया है बिल्कुल। मैं पूछ लूँगी टॉवल से। आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक बार इसको यूज़ किया है तो फेस पे किस तरह से ग्लो आ रहा है आपका। अगर इसको आप डेली रूटीन में करते हैं, डेली रूटीन पर अगर इसको यूज़ करते हैं तो आपकी आप 100% श्योर रहिए कि आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्लो करेगा, स्किन पे लाइट आएगा और जनरली आपके स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो भी दूर हो जाएंगी। यानी अगर आपके स्किन में बहुत तरह के दाग धब्बे हैं तो धीरे धीरे वो भी रिमूव हो जाएगा। बिकॉज ये आपको इंस्टेंट ये आपको ऐसा इफेक्ट नहीं दिखेगा क्योंकि बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें कुछ भी हमने केमिकल वगैरह चीज़ें यूज़ नहीं किया है। तो फ्रेंड्स कैसे लगे मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो तक के लिए। बाय बाय।